दादागिरी ओडिशा रे चलिबो नाही चलिबो नाही चलिबो चलिबो नाही राज्य सरकार निष्क्रियता चलिबो नाही चलिबो नाही चलिबो नाही अभी चलिबो भारतीय जनता पार्टी जवाब दबो जवाब दबो जवाब वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नवीन पटनायक तुम्हें दाई तुम्हें दाई तुम्हें दाई अपारग नवीन पटनायक इस्तीफा दबा अमर दाबी अमर दाबी अमर जिंदाबाद जिंदाबाद पात्रपुर रे आंध्र निर्वाचन करबा सणंत चलिबो नाही चलिबो नाही चलिबो दिनकु दिन आंध्र अत्यार करुछि ओडिशार सीमा को नहीं कि कहीं जो भाई भाव में आंध्र जो प्रलोभित कर लोक मानू से मध्य कोटियाठू आरंभ करी गंजाम सीमांत भोटर मैंने भोट देते एमती गजपति जिला प्रशासन पक्षर जो कहला भोटर भी भोट ग्रहण में सामिल होना ता परवर्त समय जमापड़ा गजपति जिलार षोल जन भोटर भोट देती सबको नहींक सीमा बिवाद को लेकिन निश्चित भाव गोटे ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश भितर बाद बिवाद लगी से मध्य बाद बदर थमिबा परिवर्ते जितेबाला निर्वाचन प्रक्रिया शेष होतेबाला आंध्र तार अतिर आरंभ कर अर्थात जितेबाला ओडिशा सीमांत कथा कह गजपति गंजाम ए बाबद निश्चित भाव से सीमांतवर्ती अंचल पोखरी खनन कथा कह विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य कर सीधासल आलोचना करवा जे आज गंजाम जिलापा कार्यालय को आसी गंजाम जिला विजेपी पक्षर आम आलोचना करवा आज्ञा कौन कहे केमती देखुं पूरा प्रसंग को पूरा प्रसंग को देखिले ओडिशा रे जो आंध्र आसिक निर्वाचन कराइबा ए गोटे दुखद घटना ओडिशा सरकार अपारग सरकार को आम जनऊ केन्द्र सरकार को भी जनाऊु यही भाया गोटे सरकार चलती जार कि निद भांगुनि विभिन्न पड़ोसी राज्य आसिक राज्य इलेक्शन करुच्ची राज्यर मध्य जनसाधारण को आम चेत देवाक चाहूँ ये भाया गोटे मृत्यु सरकार चली जोटी की जार निद भांगुनि आम राज्य आसिक अन्य राज्य निर्वाचन कराऊँ आम राज्यर जो सीमावर्त अंचल आंध्र प्रदेश सब प्रकार व्यवस्था करी लोभ देखी से नहीं जाम राज्यर सरकारी अफिसर आज शोई रही गोटे दुखद घटना आम सरकार को राज्यपाल को मुख्यमंत्री को समस्त बर्तमान जनवाई पहुँची छूँ आज्ञा जितेबाला निर्वाचन सरला बर्तमान आप जाथे गजपति गंजाम सीमांत आंध्र तार उन्नयनमूलक कार्यक्रम आरंभ कला कोटिया पाठ पढ़ाई शिक्षक नियोजित कला ए सब प्रसंग को गोटे पटे निर्वाचन आउ गोटे पतिआरा केमती देखते देखो ये संपूर्ण भाव राज्य सरकार निष्क्रियता जिला प्रशासन दुर्बल प्रशासन जो आज जो भाई आंध्र दादागिरी करा भितर पशि विभिन्न लोक विभिन्न समय प्रलोभित करी निज आड़ नवापी जो प्रकार चेष्टा सफल होती कहले चले कहीं निर्वाचन जिते सारी निश्चित भाव से सफल होती आम राज्य सरकार जो नवीन सरकार ये शासन करुंतर अपारगता जिला प्रशासन स्थाणुता यहीपाई संपूर्ण दायी एवं समय अच्छी जी नचेत आंध्र तार जाहिर कर संपूर्ण भाव राज्य प्रशासन जिला प्रशासन संपूर्ण भाव दायी रहा जिते बड़े आप ग्राउंड जीरो अच्छा ठीक से पात्रपुर ब्लक अंचलवासी आपत अटंती से अंचल आज्ञा यही समस्या आज तो नुहना दीर्घ दिन समस्या ए समस्या कहीं समाधान हो पारना सेठिकार प्रशासन ब्लक प्रशासन तहसिलदार आम से गाँव को जिते बड़े जाऊँ कहते जे प्रथम करी बाबू मान पाद पड़ी आपत तो बारंबार प्रतिवाद करुवे ना हाँ निश्चित भाव देखूँ आम प्राय सबुले तुम्बा और बुरातल अंचल आंकुली अंचल आम सब आदिवासी अंचल जोड़ा कि इनएक्सेसबल एरिया सब समस्त जाती आम विशेष करके जो कलिंग दला डैम जो आंध्र करम ओडिशा जगार करते गोटे एग्रीमेंट होता जे ओडिशा पाई बोल जगह देला सरकार किंतु डैम बनला आंध्र से परिफेर में सब जगह डेवलपमेंट करने गोटे चुक्तिनामा होता किंतु दुर्भाग्य कथा दीर्घ 20-22 वर्ष होगा गोटे सरकार अच्छी जो सरपंच शासक दल समिति सभ्य शासक दल जिला परिषद शासक दल एमएलए शासक दल एमपी शासक दल मुख्यमंत्री शासक दल किंतु दुर्भाग्य कथा कलिंग दल सेपटे जो 19टा गाँ रहा तुम्बा और बुरातल बुरातल 12टा पंच गाँ रहा तुम्बार 7टा गाँ रहा जो 19टा गाँ रहा से 19टा गाँ जावा कनेक्टिविटी गोटे रोड ना कि आपणकर शिक्षा सुविधा नहीं कि स्वास्थ्य सुविधा नहीं कि पानी जल सुविधा नहीं कि करेन्टर सुविधा नहीं ये प्रकार अव्यवस्था देखिए गति करद्वारा आंध्र से पशिकी जेहेतु कि पड़ोसी आंध्र रहा सी सेठे पशिकी जोटी आमर खंब अच्छी किंतु तार नहीं किंतु सी सीधा सड़क तार दे सीधा सड़क पानी जल व्यवस्था कर सीधा सड़क स्कूल प्रभावित निश्चित भाव ओडिशा को भारी पड़े हाँ निश्चित भाव में जिते तार प्रभावित होमर ओडिशा लोक से आंध्र मुहूँ
ସେଠି ସୁବିଧା ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଆମର ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ସିଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ 15,000 ସରକାର ଦେଉଛି ସେଠି ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଲାଗି ରହୁଛି। ସରକାର କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତୁନାହାନ୍ତି? କୋଟିଆ ପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାରମ୍ବାର ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା କହିକିରି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ସିନା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏଇଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଲୋକମାନ ଗାଁ ଜାଗା ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଲେଣି, ଏ କଥା ସାରା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନର ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ଦନାଦନ ଆର ତାକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବେ ଯେ ଯେମିତିକି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହୁଛି ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଘନେଇବାରେ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବିବାଦ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ସରକାର କେମିତି ଚେତିବେ, ଆଗକୁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଥମିବ ଏବଂ ସୀମା ବିବାଦ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଥିବା ତା'ର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାଗ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।